Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this my YouTube channel. So, फिर से एक बार हम लोग अपने एक concept with question series लेके आए हैं जिन लोग JAM 2021 यानी कि 2021 का जो एग्जाम देने वाले हैं IIT JAM JEST और TFR का उसके लिए यहाँ पे concept with problems और concept with questions लेके हम लोग आए हैं. इसमें particularly हम लोग previous year के problem solve करेंगे detail concept के साथ और उन उन टॉपिक को चूज करने की कोशिश करेंगे जो अक्सर विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट छोड़ देते हैं और जिसपे लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी होता है लेकिन लोग उसको छोड़ देते हैं क्योंकि सेमेस्टर सिक्स का सिलेबस में होता है. तो उन सारे जैम के जो भी सिलेबस है उसको एक एक करके यहाँ पे लेके आएंगे और उनका प्रीवियस ईयर का जैम जेस्ट और अदर जो एंट्रांस है लाइक TFR DUE का इन सब का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर कंसेप्ट सो दैट कि आपको उस टॉपिक पे एक अच्छा मार्क्स मिल सके. ठीक है, तो आपको जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हमारा टारगेट क्या है. टारगेट है IIT JAM 2021 यानी कि जो भी IIT JAM देने वाले हैं 2021 में. और हमारा सीरीज का नाम है कंसेप्ट विद क्वेश्चंस. ठीक है, इसमें हम लोग कंसेप्ट डिटेल में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस जो होंगे उन पे रिलेटेड जितने कंसेप्ट होंगे और उस टॉपिक से जितने भी इर्द गिर्द जो भी कंसेप्ट होंगे उसको हम लोग समेटेंगे. हेल्प यू टू स्कोर 50+ मार्क्स. दोस्तों जैसा आप सभी को मालूम है कि जैम जेस्ट में या फिर ये जो कम्पिटेटिव एग्जाम है इसमें क्वालिफाई करना या फिर IIT मिलने के लिए 50+ दैट इज मोर देन एनफ होता है. और आपको बताते चले कि ये मार्क्स कोई बहुत बड़ा मार्क्स नहीं है. आपको ये भी पता होना चाहिए अगर IIT जैम का तैयारी कर रहे हैं आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 50+ मार्क्स लाना ऐसे बहुत मतलब 50+ मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें जो सीधा फॉर्मूला बेस या थोड़ा सा अगर आप प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चंस पिछले 5-7-10 साल का क्वेश्चन को अगर आप बहुत अच्छे से खंगाले हुए हैं उस पर आपका अच्छा पकड़ है प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स पे उसको अगर एक कॉपी पे आप कलेक्ट कर लेते हैं लिख लेते हैं उस पर जो भी कंसेप्ट इनरोल है उसको आप ठीक से रिवाइज कर लेते हैं तो यकीनन मानिए हर टॉपिक पे 50%+ क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड या फिर जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है या जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है टॉपिक का उस पे आते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके ना छूटे यानी कि आपको एक हेल्प बूस्टर की तरह ये काम करेगा जो सॉरी स्कोर बूस्टर की तरह काम करेगा ये हमारा सीरीज दैट इज कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे इसका की पॉइंट क्या है CWD कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस सीरीज का जो हमारा पहला पॉइंट है. टॉपिक वाइज सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सबसे पहले जैम देखेंगे फिर जेस्ट देखेंगे फिर TFR देखेंगे. ठीक है, इट इज विद कंसेप्ट. ठीक है, दूसरा में इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी देखेंगे ऐसे उस टॉपिक पे कोई अगर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन ऐसा तो नहीं है भविष्य में पूछा जा सकता है उन सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को भी हम लोग देखेंगे कलेक्ट करेंगे प्लस कुछ इम्पोर्टेंट अगर ग्राफ है तो उसको भी देखेंगे और साथ में जो भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा उसको देखेंगे. ठीक है, फॉर अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चन सो दैट कि हम लोग उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छा से अटेम्प्ट कर सके. ठीक है, इस सीरीज में दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स. ठीक है, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स इस सीरीज का ये हमारा पहला टॉपिक होगा यानी कि आज हम लोग इस लेक्चर 1 में स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में IIT JAM में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अब शुरू करेंगे और जैसे खत्म होगा फिर जेस्ट में जितने स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रॉब्लम पूछे होंगे उसको सॉल्व करेंगे एंड देन फिर TFR एंड अदर एंट्रांस. ठीक है, फिर देन आएंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एंड EMT एंड मैथमेटिकल क्वांटम एंड सो ऑन. ठीक है, तो अभी तक जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इससे हम आपको मतलब पॉजिटिव होते हैं और आपके लिए और काम करने की हमारी जो विल पावर है वो इंक्रीज होती है और हम कंटिन्यू रह पाते हैं अपने इस लेक्चर में. और तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का जैम प्रीवियस ईयर. ठीक है, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स एक बहुत ही इजी टॉपिक है और इस पे 6-7 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहते हैं. तो हमारा जो पहला टॉपिक है स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स. ठीक है, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपको बताते चले कि जो जैम है और जो हमारा जेस्ट है जैम और जेस्ट में इसमें लगभग 4 से 6 नंबर का एवरेज मार्क्स पूछता है और जेस्ट में तकरीबन 4 से लेकर 12 एवरेज मार्क्स आप रख सकते हैं. ठीक है, आप 5 से लेकर 12 एवरेज मार्क्स रख सकते हैं. ये लगभग एवरेज मार्क्स से इतना ही दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं जैम और जेस्ट में. ठीक है, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स से. और आपको बताते चले कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा से कर लेते हैं तो इस टॉपिक्स पे लगभग लगभग
बहुत ही कम कंसेप्ट हैं, बहुत ही कम फॉर्मूले हैं जिसी पे लगातार बार बार क्वेश्चन आते हैं, और वो इन सारे पे कवर अप हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि 2021 में जैम जेस्ट के जो भी प्रॉब्लम आएंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, वो इन्हीं लेक्चर में जो क्वेश्चन होंगे उसी के तरह के या फिर थोड़ा सा वैल्यू चेंज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आप इसको अगर ठीक से आप बढ़िया से अगर हमारे सारे लेक्चर को स्टेस्ट मैक कर देख लेते हैं और उसको अगर कॉपी बैक नोट को उतार लेते हैं, अच्छे से रख लेते हैं और बार बार रिवीजन करते हैं टिल एग्जाम, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, उम्मीद करते हैं एग्जाम। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ लोगों को पता होगा, जो लोग नए हैं वो लोग मेरे बारे में जान लें। मेरा नाम रुपेश कुमार है और आईटी जैम 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 257 थी। आईटी जैम में 2020 का बात कर रहा हूँ, मेरी ऑल इंडिया रैंक 257 थी और जो जेस्ट है जेस्ट 2020 इसमें मेरी एआर रैंक 167 थी। ठीक है, और मुझे इसके थ्रू आईटी कानपुर अलॉट हुआ था, सो आईटी जैम 2020 में मेरी जो रैंक थी उसके अकॉर्डिंग मुझे आईटी कानपुर मिला था और आईटी कानपुर पे मुझे एमएससी फिजिक्स मिला था दोस्तों। और साथ ही चूंकि जेस्ट में हुआ एयर 167 था, तो हमने आईजेस्ट वगैरह में इंटरव्यू दिया था और फाइनली मेरा आईजेस्ट पुणे में सिलेक्शन हुआ। और आईजेस्ट पुणे में करेंटली मैं आईजेस्ट पुणे में हूँ और मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। ओके, सो जेस्ट में मेरी जो रैंक थी 167, इसके थ्रू मुझे आईजेस्ट पुणे में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, और फिलहाल मैं वहाँ इंटीग्रेटेड पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। सो मेरी ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी, ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और इसी साल हमने जस्ट अभी, मैं ग्रेजुएट हुआ भी नहीं हूँ अभी, हमारे सेमेस्टर 6 के एग्जाम बाकी है। 2017-2020 का मैं स्टूडेंट था बीएससी का, है ना। सो सेमेस्टर 6 में इसको, और बिना, सबसे जो मजेदार बात है, विदाउट एनी कोचिंग, हमने कोई ऑफलाइन कोचिंग क्लास हमने कभी ज्वाइन नहीं किया था। इस बात का आप ध्यान दें, बहुत स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है कि कोचिंग के बिना आईटी जैम पॉसिबल है या नहीं। तो मैं आपको बताते चलूं कि मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट था और मैंने विदाउट एनी कोचिंग, मैंने ना दिल्ली गया, ना राजस्थान गया, ना ही मैंने कोई ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सोर्स अवेलेबल थे, उसको मैं इधर उधर से ऐसे देखता था, बहुत सारे सोर्स को कलेक्ट करता था डिफरेंट टॉपिक के लिए, एक टॉपिक यहाँ से एक टॉपिक वहां से, प्रीवियस ईयर पेपर लगाता था। एंड इस तरह से हमने यूट्यूब का बहुत मदद लिया, गूगल का बहुत सारा मदद लिया, कुछ इंस्टीट्यूट के साइट्स का मदद लिया और टेस्ट सीरीज की मदद से हमने ये जो आप उपलब्धि देख रहे हैं और सेल्फ स्टडी पे ये काम हो पाए हैं। लेकिन चूंकि बहुत मुश्किल था ये दौर, बहुत मुश्किल था, अगर आपको कोचिंग मिल जाते हैं तो वो बहुत ही, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी, अगर आप टॉपिक वाइज कुछ टॉपिक्स के आपको मिल जाते हैं कुछ, तो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे प्रिपरेशन में, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, सो ये बात ध्यान रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आईटी जैम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ना, हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा, हमारी इंग्लिश कमजोर है। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैम का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन हमारा सीरीज पे वो जैम 2020 का है, जैम 2020, फिर 19 एंड देन 18, 17, इस तरह से 2005 तक जैम में स्टेस्ट मैकेनिक्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। फिर जेस्ट में 2012 से 20 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए उसको डिटेल सॉल्यूशन प्रॉपर कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे उसको। हम आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो एक कॉपी लें और मेरे सारे लेक्चर स्टेट मैक्स को उसको कॉपी कर लें और रिविजन कर दे, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा जैम 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन एंड बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों यहाँ पे फर्मी डिराक और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देखिए ये फर्मी डिराक का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है,
NF जो फंक्शन ऑफ एनर्जी E एंड टेम्परेचर T इज इक्वल टू, दरअसल ये इस तरह से कुछ दिया हुआ है, E टू द पावर E माइनस म्यू एफ बाय के टी, म्यू बाय के टी एंड देन प्लस वन होल टू द पावर माइनस वन, होल टू द पावर ये पूरा टर्म का पावर माइनस वन है, तो अभी हम लोग इसको आगे क्या लिखेंगे अभी बताते हैं आपको। और जो बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो दिया हुआ है E टू द पावर E माइनस म्यू बाय के टी एंड देन सॉरी माइनस वन टू द पावर माइनस वन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये आपका जो है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है और ये बोल्ट्जमैन बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन है, और दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस कंडीशन पे, किस लिमिट पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको बताते चले यहाँ पे टर्म्स का ये इक्वेशन क्या है, इस पे बच्चों कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये पता चल गया तो बड़ा आसानी से याद रहता है। दोस्तों एनएफ का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल और एफ का मतलब है इन फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फर्मियॉन्स यानी कि फर्मी पार्टिकल्स जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्मी डिराक यानी कि फर्मियॉन्स के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल एन है, फंक्शन ऑफ एनर्जी ई एंड टेम्परेचर टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर ई माइनस वी बाई के टी प्लस वन ऑल टू द पावर माइनस वन। म्यू केमिकल पोटेंशियल है दोस्तों, ई किसी पर्टिकुलर स्टेट का एनर्जी है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। कई बार के को ना के भी लिखता है, के सबस्क्रिप्ट भी, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और जनरली के भी लिखे तो स्टेटमेंट में क्या है उसका मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये है यहाँ पे प्लस वन है और बोस आइंस्टीन के केस में यहाँ पे माइनस वन है। दोस्तों दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में इतना ही डिफरेंस है कि फर्मी डिराक का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है एनर्जी लेवल ई पे और टेम्परेचर जिसका टी है, तो इस इक्वेशन से उससे इसको दिया जाता है। और जो बोस आइंस्टीन यानी कि जो बोसोन पार्टिकल है, जो बोस पार्टिकल है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी एनर्जी लेवल पे जहां का एनर्जी ई है टेम्परेचर टी है, उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होते हैं जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है ये पहले आपको बताना चाहिए। तो दोस्तों जो अगर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एमबी सब्सक्रिप्ट दे दें तो ये जो होता है दोस्तों ये होता है ई टू द पावर ई माइनस म्यू बाय के टी। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, क्लियर है। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो है लाइक दिस, ई टू द पावर ई माइनस म्यू बाय के टी, कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करना होगा, सॉरी दरअसल वो इस तरह से होता है E by KT, तो इस फॉर्म में इन दोनों में क्या ऐसा लिमिट लगा कि ये चीज आ जाए। ठीक है, तो चलिए उन दोनों इक्वेशन को ढंग से लिख लेते हैं। इस पूरा का पावर माइनस वन है, मतलब इस पूरा को वन बाय लिख सकते हैं ना, वन बाय हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर ई माइनस म्यू बाय के टी एंड देन प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरा का भी पावर माइनस वन है तो इसको भी वन बाय लिख सकते हैं, वन बाय ई टू द पावर ई माइनस म्यू बाय के टी एंड देन माइनस वन। दोस्तों आप एक चीज यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे, एक चीज क्या गौर पा रहे होंगे कि अगर यहां से ये प्लस वन हट जाए और यहां से अगर ये माइनस वन हट जाए तो बचेगा क्या, बचेगा वन बाय ई टू द पावर ई माइनस म्यू बाय के टी, क्या ये बचेगा ना। और ये अगर बचा तो ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ऑफ ई माइनस म्यू बाय के टी, ऐसा हो जाएगा। और हम आपको बताए थे कि यही क्या है दोस्तों हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक में नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है दोस्तों किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ई टू द पावर माइनस ऑफ एनर्जी टर्म बाय के टी, ई बाय के टी लिखो या यू माइनस म्यू बाय के टी लिखो, ठीक है, दैट बोथ आर सेम। ठीक है, इन केस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ये म्यू इन जनरल नेगेटिव होता है, सो ये आपको ध्यान रहे। तो इसका मतलब है कि ये टर्म जो है अगर हट जाए यहां से और ये टर्म अगर हट जाए यहां से तो दोनों जो है ये फर्मी डिराक और ये जो मैक्सवेल बोस आइंस्टीन है दोनों किसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हटेगा कब दोस्तों, ये तभी हटेगा जब ये टेंड्स टू जीरो होगा। ये क्या होगा, टेंड्स टू जीरो होगा, ये तभी हटेगा जब ये टेंड्स टू जीरो होगा। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ना, यानी कि ये जो है ये जो टर्म है ये बहुत बड़ा हो वन के कंपेरिजन में, ये टर्म भी क्या हो वन के कंपेरिजन में बहुत बड़ा हो। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब ये टर्म इनफाइनाइट हो जाए। ये टर्म क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। ये टर्म इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो हमारा व्हेन 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 ई माइनस म्यू इज मच मोर ग्रेटर देन
वन सॉरी के टी। अगर ये जो टर्म है दोस्तों यू माइनस ई माइनस म्यू बाई के टी बहुत ज्यादा बड़ा हो, के टी के कंपेरिजन में ई माइनस म्यू बहुत ज्यादा बड़ा हो, तब होगा क्या दोस्तों कि ई माइनस म्यू बाई के टी जो होगा ये भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा किससे, वन से। ये अगर वन से बहुत ज्यादा बड़ा होगा दोस्तों तो ई का पावर, ये बहुत बड़ा वन है तो ई का पावर ई माइनस म्यू बाई के टी ये भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, क्या होगा, वन से। एक्सपोनेंशियल टू द पावर इतना का अगर ये भी टर्म जो है बहुत बड़ा होगा वन से, इसका मतलब वन जो है नेगलेक्ट किया जा सकता है, यहाँ पे वन नेगलेक्ट किया जा सकता है। देयरफॉर ई ई माइनस के टी एक्सपोनेंशियल टू द पावर ई माइनस म्यू बाई के टी प्लस वन या माइनस वन है ना, इसके लिए प्लस है फर्मी के लिए और बोस के लिए माइनस है, प्लस माइनस वन लिख दिए, ये दोनों को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, यानी वन को नेग्लेक्ट किया सकता है, नेग्लेक्ट किया सकता है, लेकिन कब, जब ये जो टर्म है ई माइनस म्यू वो बहुत बड़ा होगा किससे, केटी से, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा केटी से तब केटी को उठा के इधर ले आइए तो कुछ नहीं बचा, मतलब वन बचा, मतलब ई माइनस म्यू बाई केटी बहुत बड़ा होगा वन से। अब दोनों साइड अगर एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये लगभग इस पावर, इसका अगर एक्सपोनेंशियल टर्म भी लेंगे ना दोनों साइड में, अगर इसका एक्सपोनेंशियल टर्म भी लेंगे तो वो भी बहुत बड़ा क्या होगा, वन से, ठीक है। वन से अगर बड़ा होगा तो डेफिनेटली है कि इसमें प्लस वन या माइनस वन जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वन नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से आ जाएगा, और ये टर्म अगर आ गया तो फाइनली ये हो जाएगा वन बाई टू द पावर ई माइनस म्यू बाई के टी, और ऊपर चला जाएगा तो ई का पावर माइनस ऑफ ई माइनस म्यू बाई के टी, ये भी कुछ इस तरह से हो जाएगा वन बाय ई टू दी पावर ई माइनस म्यू बाई के टी, क्योंकि ये नेग्लेक्ट हो रहा है, उसके बाद माइनस है या प्लस डजंट मैटर, तो ये भी ऊपर जाके ई टू दी पावर माइनस ऑफ ई माइनस म्यू बाई के टी। तो ये हमारा लिमिटिंग केस है, ठीक है, दिस इज द लिमिटिंग केस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो आंसर आप देख सकते हैं कि हमारा लिमिटिंग केस के लिए क्या सही है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सी है ई माइनस म्यू इज मच मोर ग्रेटर देन के टी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब कर लेते हैं। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन याद रखें, कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इस पे आते हैं, जो फर्मी डिराक और बोस आइंस्टीन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी यहाँ पे लिखा हुआ था वो कई बार सीधा एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखें दोस्तों। इसी के जस्ट नीचे 2020 में एक क्वेश्चन आया था, ये दोनों दो दो मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसमें आया था कंसिडर एन क्लासिकल पार्टिकल्स एट टेम्परेचर टी, इच ऑफ विच कैन हैव टू पॉसिबल एनर्जी, मतलब दो पॉसिबल एनर्जी है, एक जीरो और दूसरा में ई, ठीक है, मतलब दो एनर्जी स्टेट है दोस्तों, एक है एनर्जी लेवल जिसका एनर्जी जीरो है, दूसरा एनर्जी लेवल जिसका एनर्जी एक्साइलर है, और ये जो पूरा सिस्टम है ये टी टेम्परेचर पे मेंटेन है, टोटल एन पार्टिकल है, टोटल कितना पार्टिकल है दोस्तों, एन पार्टिकल है, सच दैट कि जो लोअर स्टेट है हमारा, जो लोअर स्टेट है जीरो को ई को यहां लिख देते हैं जीरो का अक्षर, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ा अच्छा लगता है, तो जो टोटल एन पार्टिकल है उसमें से एन नॉट पार्टिकल लोअर स्टेट पे, मतलब ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है क्योंकि इससे एनर्जी इसका ज्यादा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो एन ही है, यानी कि एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन नॉट प्लस एन ई, ये ध्यान रखना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि टोटल एन पार्टिकल है जिसमें से एन नॉट पार्टिकल इस जीरो एनर्जी लेवल पे है और एनी पार्टिकल ई एनर्जी लेवल पे है, वैसा उस एनर्जी लेवल पे इसका एनर्जी ये है और एन नॉट पार्टिकल उस एनर्जी लेवल पे जिसका एनर्जी जीरो है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि ये एन नॉट और एनी किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है, आपसे पूछा है कि ये एन नॉट रिलेशन बिटवीन एन नॉट एंड एनी, एन नॉट और एनी में रिलेशन पूछा है, और ये जो है क्लासिकल पार्टिकल है, क्या है दोस्तों, क्लासिकल पार्टिकल, दोस्तों क्लासिकल पार्टिकल का ही दूसरा नाम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। क्लासिकल पार्टिकल मतलब समझ रहे हैं ना, जो क्लासिकल मैग्नेट्स बचपन में पढ़े आए, दो केजी का एक मास, तीन केजी का दूसरा मास, एक रॉकेट, एक गाड़ी, कार, एक ट्रक टक्कर हो गया, तो सब डिस्टिंग्विशेबल है, उसको आप अलग अलग पहचान सकते हैं ना, जैसे एक पार्टिकल ए है दूसरा पार्टिकल बी है, ऐसे आप इनको डिस्टिंग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, नाम नॉमिनक्लेचर कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनक्लेचर नहीं कर सकते, एक साथ एक ही रेंज का बहुत सारा पार्टिकल उस सेम नेचर का, तो इनको इनडिस्टिंग्विशेबल बोलते हैं। फिलहाल जो हमारा केस है वो क्लासिकल पार्टिकल, क्वेश्चन में कह रखा है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल भी इनको कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, या फिर इन्हीं को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन भी कहते हैं ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पार्टिकल भी कहते हैं,
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फॉलो करने वाले, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फॉलो करने वाले पार्टिकल भी इनको कहते हैं, ये ध्यान रहे। तीनों में से कोई भी कहे तो क्लासिकल पार्टिकल आपको समझ में आना चाहिए। और इसके लिए फिर हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी हम आपको बताए थे। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हम आपको बताए थे, कितना बताए थे, ये कुछ इस तरह से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई टू द पावर माइनस एनर्जी ई बाई के टी के। ठीक है, ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस एनर्जी बाई के टी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। यहाँ पे नॉट को आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, हियर अगर सेम फॉर्मूला अगर लगाना चाहेंगे ग्राउंड 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 एनर्जी लेवल पे या ग्राउंड स्टेट पे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट कितना है, नॉट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे कितना है, जीरो है, बाय के और टी, पूरा सिस्टम टी टेम्परेचर पे, और के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि एन नॉट इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम यहाँ पे सम कांस्टेंट ए, सम कांस्टेंट ए मान लिए, प्रोपोर्शनलिटी हटा, इक्वल में कन्वर्ट हुआ तो सम कांस्टेंट ए मान लिए, ई टू द पावर माइनस ये जीरो बाई के टी पूरा जीरो, ई टू द पावर माइनस जीरो का हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई का पावर जीरो इज इक्वल टू वन बाई, किसी का भी पावर जीरो मतलब वन, तो वन बाई वन इक्वल टू वन, यानी कि एक टर्म पूरा वन आ रहा है, यानी कि एन नॉट इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, इक्वेशन वन। सिमिलरली दोस्तों अगर आप इस स्टेट के लिए बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना चाहेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सेकंड स्टेट, सेकंड स्टेट का एनर्जी कितना है, ई है, तो एन ई कर देते हैं इसको, कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन दैट स्टेट पर एनर्जी इज ई। ठीक है, इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ई, एनर्जी कितना है इस स्टेट का, एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन बाय के टी। ठीक है, एनी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी साइन घटेगा तो फिर से कॉन्स्टेंट आएगा, सेम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो एक सिस्टम के लिए, ए ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी, इसको इक्वेशन टू। दोस्तों अब इक्वेशन वन टू को अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा, नहीं, डिवाइडिंग डिवाइडिंग टू बाय वन। दोस्तों अब इक्वेशन टू को वन से डिवाइड कीजिए, चलिए इधर थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तो देखिए क्या मिलने वाला है, टू का आरएचएस में क्या है, एनी है, और वन का आरएचएस एलएचएस में नॉट है, दोनों का सॉरी एलएचएस एलएचएस डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू उसका ए ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी, और इसमें क्या है आरएचएस ए है, ए कट गया, क्या बचा, ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग एन नॉट ऊपर में है, तो इसको रिवर्स कर लीजिए, ये इसको ऊपर ले जाए और इसको नीचे ले जाए, तो रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा एन नॉट बाई एन ई, कैपिटल एन के टर्म में लिखा है तो चलिए हम कैपिटल एन के टर्म में ही लिख रहे हैं। अब ये रिवर्स करेंगे तो ये भी चीज रिवर्स हो जाएगा, ये जब चीज रिवर्स होगा तो अभी ई का पावर माइनस ऑफ समथिंग एक्स, पूरा एक्स मान लीजिए, तो रिवर्स करेंगे टू द पावर प्लस ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा, यानी ई का पावर ई बाई के टी प्लस हो जाएगा, है ना। तो दिस इज हमारा करेक्ट आंसर, कैन नॉट और एनी रिलेशन है, ई टू द पावर प्लस ई बाई के टी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था। दोस्तों 2020 में बस दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे, दो दो चार नंबर के, और आपको दिख रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है, कितने आसान है, और कितने मतलब एक ही फॉर्मूला से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो फॉर्मूला है अभी अभी जो हम लोग देखें उसी से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब बहुत ही गिने चुने फॉर्मूले से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे जैम लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, और हर साल उसी पे लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए अब हम 19 का देखते हैं, ओके, सो जैन 2019 में क्वेश्चन आया था, अब इसको जैन 2019 कर लेते हैं, है ना। जैन 2019 में जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, आया था द फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, द फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज मतलब एन ऑफ फर्मी, फंक्शन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, दोस्तों फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछा था कि इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शंस थे चार। तो आपको मालूम है अभी अभी हम लोग 2020 का जो क्वेश्चन था उसमें देखे कि फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना होता है दोस्तों,
अभी जो 2020 में पहला क्वेश्चन में देखे थे उसमें उस तरह से देखे थे e टू दी पावर e माइनस म्यू बाय kbt या kt जो भी लिखे प्लस वन। फर्मी के लिए क्या दोस्तों, ये ध्यान रहे, फर्मी के लिए प्लस वन, फर्मी के लिए आपको हमेशा प्लस यूज करना है, और बोस के लिए ही तो सिर्फ एंड सिर्फ माइनस कर दीजिए तो बोस डिस्ट्रीब्यूशन, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाएगा। तो ये फर्मी ड्रैग के लिए यहाँ पे प्लस, बोस के लिए माइनस, और जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए आएगा दोस्तों तो उसके लिए e टू दी पावर माइनस e बाई kt, ठीक है, और बाकी प्लस माइनस कुछ नहीं, प्लस माइनस वन कुछ नहीं, और यहाँ पे ये माइनस बना देना है, यहाँ पे इसको ये माइनस बना देना है, तो क्या होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन यानी क्लासिकल पार्टिकल, ठीक है। तो फिलहाल फर्मी पूछा है तो यहाँ प्लस वन हो गया दोस्तों, इसको घेरा को हटा देते हैं, इस पूरा का पावर माइनस वन, ठीक है। इसी को ढंग से लिखने का तरीका क्या है, इसको ऐसे भी लिखते हैं वन बाय टू दी पावर ई माइनस म्यू बाय के टी एंड देन ये प्लस वन। दोस्तों ये पूरा अपने आप में एक टर्म है, प्लस ये दूसरा टर्म है, ठीक है, ये मत समझिएगा कि यहाँ पावर में प्लस वन चल रहा है, ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। तो ये फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो फंक्शन ऑफ एनर्जी ई एंड टेम्परेचर टी, एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी ई और टेम्परेचर टी इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ ई और टी वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, इसको ना भी लिखे तो भी सही है, सिर्फ एनर्जी लिखे तो भी सही है, सिर्फ टेम्परेचर लिखे तो भी सही है, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग सब क्वेश्चन का मोड पूछने का अलग अलग होता है। तो अभी फिलहाल ई पूछा है, 20 में ई और टी दोनों दिया होता है, तो उससे आपको घबराने का बहुत ज्यादा कोई बात है नहीं, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बोस पूछता दोस्तों, अगर बोस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछता तो यहाँ पे आप क्या कर देते माइनस वन, अगर दोस्तों क्लासिकल पार्टिकल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछता तो सम कांस्टेंट ए ई टू द पावर माइनस ए बाई के टी, ये सम कांस्टेंट ए है, अगर प्रोपोर्शनलिटी का टर्म में पूछता तो ई टू द पावर सीधा माइनस ए बाई के टी, क्लियर है। ये आपको तीन चीज ध्यान होना चाहिए, फिलहाल ये फर्मी पूछा है दोस्तों तो ये क्या हो गया यहाँ पे प्लस वन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे जो यार पूछा गया था, यस दोस्तों यहाँ पे एक रेड स्टार है, एक रेड स्टार है, रेड स्टार हैविंग रेडियस आर ऑफ आर एंड एट ए टेम्परेचर टी आर, एंड ए व्हाइट स्टार, एक ये व्हाइट स्टार है दोस्तों Having radius R W मतलब R subscript W मतलब R radius for white star at temperature T W मतलब temperature of white star radiate the same total power, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि power of red star is equal to power of white star, दोनों का power दोस्तों same है। If this star radiates as perfect black body then R और T में relation पूछा है दोस्तों, अगर इनका पावर सेम हो और ये ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करे, किसकी तरह, ब्लैक बॉडी की तरह काम करे, किसके तरह काम करे, ब्लैक बॉडी की तरह, और इन दोनों का पावर जो है दोस्तों दोनों सेम पावर रेडिएट्स कर रहा है, तो कौन सा रिलेशन इनमें से सही होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है, आप एक बार अपने से भी टेस्ट कर सकते हैं कि आर ऑफ आर इज ग्रेटर देन आर ऑफ डब्ल्यू एंड टी ऑफ आर इज ग्रेटर देन टी ऑफ डब्ल्यू। ऑप्शन टू में है कि आर ऑफ आर इज लेस देन आर ऑफ डब्ल्यू एंड टी ऑफ आर इज ग्रेटर देन टी ऑफ डब्ल्यू। ऑप्शन थ्री में है कि आर ऑफ आर इज ग्रेटर देन आर ऑफ डब्ल्यू एंड टी ऑफ आर इज लेस देन टी ऑफ डब्ल्यू। ऑप्शन फोर में है आर ऑफ आर इज लेस देन आर ऑफ डब्ल्यू एंड टी ऑफ आर इज लेस देन टी ऑफ डब्ल्यू। दोस्तों आपको रिलेशन बताना है कि किसका रेडियस बड़ा होगा, किसका रेडियस छोटा होगा, और किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसका टेम्परेचर कम होगा। दोस्तों आपको ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी के केस में जो पावर रेडिएट होता है वो कितना होता है, सिग्मा ई ए टू टू द पावर फोर, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो ये फैक्टर होता है दोस्तों इसका नाम इमिसिव पावर फैक्टर ऐसे कुछ बोलते हैं, ये वन होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अभी जो केस है परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्वेश्चन में कहा है तो ये वन हो गया, तो पी इक्वल हो गया स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा, ये स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा एक कांस्टेंट है दोस्तों, और ये एरिया है और ये टी का पावर फोर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा ए एरिया को फोर पाई, चूंकि ये क्या है स्टार है मतलब एक स्फेयर की तरह होगा, स्टार तो सर्किल नहीं होता है ना, स्फेयर होता है दोस्तों थ्री डी समझ पा रहे हैं, तो उसका जो एरिया होगा दोस्तों सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर और टेम्परेचर टी का पावर फोर।
तो ये पावर है दोस्तों ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में, अगर वो जो भी सिस्टम है जो ब्लैक बॉडी अगर स्क्वायर है तो ठीक है, अगर सर्किल होता तो यहाँ स्मॉल पाई आर स्क्वायर लिखो, सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिखते, क्लियर है। अब दोस्तों दोनों के लिए लिखे चूंकि दोनों का सेम सेम है, तो पावर ऑफ रेड स्टार इज इक्वल टू पावर ऑफ व्हाइट स्टार। तो पावर ऑफ रेड स्टार कितना होगा, सिग्मा तो कॉन्स्टेंट है दोस्तों दोनों के लिए सेम होगा, फोर पाई भी कॉन्स्टेंट है दोनों के लिए सेम होगा, आर आर अभी रेड का इधर लिख रहे हैं तो रेड का आर स्क्वायर, टी टेम्परेचर किसका दोस्तों रेड स्टार का, तो टी ऑफ आर का पावर फोर इज इक्वल टू, फिर से सिग्मा कॉन्स्टेंट है दोस्तों फोर पाई कॉन्स्टेंट है, रेडियस किसका लिखना है दोस्तों, ये रेडियस पता नहीं यहां आपको नीचे इतना दिख रहा है कि नहीं, तो मैं इधर लिख लेता हूं, सिग्मा फोर पाई आर रेड का रेडियस यानी कि आर ऑफ आर स्क्वायर, टेम्परेचर रेड स्टार का यानी कि टी ऑफ आर का पावर फोर, सेकेंड में इधर व्हाइट चूंकि दोनों का प्रेशर सेम है तो सिग्मा फोर पाई रेडियस ऑफ व्हाइट का स्क्वायर, टेम्परेचर ऑफ व्हाइट का पावर फोर, क्लियर दोस्तों। अब यहां पे आप देख सकते हैं सिग्मा फोर पाई, सिग्मा फोर पाई कट गया तो यहां से क्या आ रहा है आर ऑफ आर, ये आर ऑफ आर और ये आर ऑफ डब्ल्यू किधर ले आइए, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऑफ आर को उधर ले जाइए और उधर टी ऑफ डब्ल्यू ऑलरेडी है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सॉरी दोस्तों आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपको याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ रेड स्टार होता है दोस्तों वो ग्रेटर देन होता है रेडियस ऑफ व्हाइट स्टार, ये आपको याद रखना है ना, ये आपको रिमेम्बर करना है कि जो रेडियस ऑफ रेड स्टार होता है वो रेडियस ऑफ व्हाइट स्टार से ज्यादा होता है, इसका मतलब आर ऑफ आर बाय आर ऑफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, ये ध्यान रहे। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, रेडियस ऑफ रेड स्टार बाय रेडियस ऑफ व्हाइट स्टार इज ग्रेटर देन वन, ये लॉजिक मतलब ये आपको बाय थ्योरी आपको याद रखना है दोस्तों। तो देखिए क्या बन जाएगा, तो एक तो कंडीशन हमको मिल गया रेडियस में और इसी को यूज कर लीजिए यहाँ पे दोस्तों, तो टी ऑफ डब्ल्यू बाई टी ऑफ आर का पावर फोर इज इक्वल टू ये पूरा है दोस्तों, यानी कि ये पूरा चूंकि ग्रेटर देन वन है तो उसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन वन, यानी कि ये भी दोस्तों क्या होगा हमारा ग्रेटर देन वन होगा, यानी कि दोस्तों जो टी का पावर डब्ल्यू है वो भी ग्रेटर देन क्या होगा टी का पावर आर, क्लियर है, क्योंकि पावर फोर उठा के उधर ले जाएंगे तो वन का पावर वन बाय फोर, तो दिस इज ऑल्सो वन, सो यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा, टी आर उठ के उधर चला जाएगा तो टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी आर, यानी कि आपको इससे क्या रिलेशन मिला दोस्तों, चूंकि ये टर्म ग्रेटर देन वन है तो ये भी टर्म ग्रेटर देन वन होगा, पावर फोर उससे मैटर नहीं करता, यानी कि टी डब्ल्यू बाय टी का पावर आर है जो ये भी ग्रेटर देन वन होगा, टी डब्ल्यू ग्रेटर देन टी आर होगा, क्लियर है, यानी कि जो रेडियस है वो रेड स्टार का ज्यादा होगा और जो टेम्परेचर है व्हाइट स्टार का ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियस रेडियस रेड स्टार का ज्यादा है और टेम्परेचर व्हाइट स्टार का ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार का ये क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाय थ्योरी दोस्तों आपको यह हमेशा याद रखना है। अच्छा इसको याद रखने का एक ट्रिक बता देते हैं, रेड रेड मतलब हॉट चीज है ना, तो उसका सब कुछ ज्यादा होता है तो उसका रेडियस ज्यादा होगा, क्लियर है, लेकिन टेम्परेचर कम होगा, हॉट चीज है लेकिन टेम्परेचर कम होगा, क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर एन एनसेम्बल ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम ईच ऑफ विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि n कांस्टेंट है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब n कांस्टेंट है दोस्तों नंबर ऑफ पार्टिकल, प्रेशर एंड टेम्परेचर p भी कांस्टेंट है दोस्तों है ना, एंड टेम्परेचर भी क्या है हमारा कांस्टेंट है, द थर्मोडायनेमिक फंक्शन डिस्क्राइबिंग द एंसेंबल इज, तो ये इस एंसेंबल को कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन, उस थर्मोडायनेमिक वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होगा, थर्मोडायनेमिक फंक्शन कौन होगा जो इस तरह का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है,
तो ऑप्शंस है हमारे पास गिव्स फ्री, ऑप्शन है हमारे पास इंथैल्पी बी में है आपका हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसको कुछ लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी में है गिब्स फ्री एनर्जी और डी में है एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले हम जी का यूज करेंगे क्योंकि मुझे आंसर पता है, बाकी का ट्राई कर ले नहीं आएगा। जी इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस, तो दोस्तों यहाँ से डी जी कितना हो जाएगा डी एच माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी, ये कैसे कर रहे हैं हम समझ पा रहे हैं, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेकंड स्टेप में जी को डी जी करेंगे तो एच डी एच बन जाएगा माइनस, माइनस के बाद दोस्तों क्या हो रहा है ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे रख रहा है, टी को रख रहे हैं एस का डी एस प्लस एस को रख रहे हैं टी का डी टी, चूंकि बाहर में माइनस है तो अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे दोस्तों तो ये प्लस को भी क्या बना देगा माइनस बना देगा। क्लियर है? ओके, अब उससे पहले अब नाउ ये आपको याद रहना चाहिए कि एच क्या होता है ई प्लस पी भी होता है, तो दोस्तों डी एच कितना हो जाएगा फिर से डी यू, ये यू डी हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पी डी बी प्लस बी डी पी। क्लियर है? ठीक है, याद है आपको या नहीं तो आप सीख लें। अब डी यू क्या होगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको याद होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है दोस्तों कि जो भी हीट देते हैं हम लोग, यानी कि चेंज इन हीट डी क्यू दैट इज द वर्क डन डी डब्ल्यू प्लस इंटरनल एनर्जी डी यू है ना माइनस म्यू डी एन, तो इसको डन से लिखे डी क्यू इज इक्वल टू दोस्तों डी डब्ल्यू को पी डी भी लिखते हैं प्लस ये इंटरनल एनर्जी चेंज इंटरनल एनर्जी डी यू माइनस म्यू डी एन, और जो ये डी क्यू है दोस्तों इसको हम लोग टी डी एस भी लिखते हैं, क्यों, चूंकि जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी डीएस होता है दोस्तों क्या होता है चेंज इन हीट डी क्यू बाई टी। क्लियर है? तो यहां से देखिए डी क्यू क्रिस क्रॉस कीजिए तो डी क्यू टी डी एस आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। क्लियर है? चेंज इन एंट्रोपी डीएस क्या होता है दोस्तों डी क्यू बाई टी, तो वहां से डी क्यू आ जाएगा टी डी एस, तो उसकी जगह लिख लिया दोस्तों। अब यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से अगर हम लोग यूज करें तो यहां से देखिए डी यू कितना मिला, डी यू मिला हमको टी डी एस, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन। अब इसको यूज कर लेते हैं यहां पे, देयरफॉर डी एच कितना हो जाएगा दोस्तों डी यू के जगह पे टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, तो आप देख सकते हैं माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी कैंसिल हो गया, तो ये बचा टी डी एस प्लस म्यू डी एन प्लस वी डी पी। दोस्तों अब डी एच मिल गया, देयरफॉर डी जी कितना हो जाएगा, डी जी इक्वल टू कितना है डी एच, डी एच की जगह दोस्तों टी डी एस प्लस म्यू डी एन, अभी तो जो निकाले ऊपर में आप देख रहे हैं प्लस वी डी पी, ये डी एच हो गया माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। आप यहां तो देख सकते हैं प्लस डी डी एस माइनस टी डी एस कट गया दोस्तों, तो ये म्यू डी एन प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी, तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों डी जी आ गया। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट दिया था, इसका मतलब डीएन कितना होगा, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल जीरो होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट था यानी चेंज इन प्रेशर डीपी जीरो होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट था यानी चेंज इन टेम्परेचर डीटी भी जीरो होगा, डीपी जीरो डीपी जीरो डीएन जीरो, दोस्तों डीएन जीरो मतलब ये टर्म जीरो, डीपी जीरो मतलब ये टर्म जीरो और डीटी का जीरो मतलब ये टर्म जीरो, यानी कि डीजी इक्वल टू जीरो, यानी कि दोस्तों जी इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट, यानी कि इस एंसेंबल को कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन लीड कर रहा है, कौन डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज द गिव्स फ्री एनर्जी जी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों जी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये कहां से आ गया, तो दोस्तों आप लोग जो 12 क्लास में पढ़ते हैं वो सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि हीट जो भी हम लोग देते हैं वो वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में खर्चा होता है, साथ ही माइनस म्यू डी एन भी होता है दोस्तों, जहां पे म्यू क्या है केमिकल पोटेंशियल इसका नाम है, और केमिकल पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो भी एनर्जी रिलीज होता है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल पोटेंशियल, और डीएन है चेंज इन पार्टिकल। क्लियर? आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये मार्क पता नहीं कहां तक है, शायद बोर्ड उससे नीचे नहीं दिख रहा होगा। ये 2018 में सिर्फ एक ही सवाल पूछा था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से, देन नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं आगे। यस, सो 2017 में, सॉरी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों 2018 का था, भूल गया मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जैम 17 का है ना,
जेम 2017 में 2 मार्क्स में पूछा था। तो उसमें क्वेश्चन था ए व्हाइट ड्वार्फ स्टार हैज वॉल्यूम वी एंड कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन सो दैट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इक्वल टू एन बाई वी। ठीक है, टेकिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्टार टू बी 0 केल्विन, एक स्टार की बात हो रही है ना, एक स्टार है उसकी बात हो रही है। द एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन यानी कि एन इज एप्सिलॉन नॉट, है ना। द एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन जो था दोस्तों, यानी कि टोटल एनर्जी यू जो था, इसको कुछ लोग कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो जो हमारा कैपिटल इंटरनल एनर्जी ई था पर इलेक्ट्रॉन यानी कि ई बाय एन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोस्तों, ये डेंसिटी है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी ई पर इलेक्ट्रॉन एन इज एप्सिलॉन नॉट, एक इलेक्ट्रॉन का इतना एनर्जी है ई नॉट, जो टोटल एनर्जी का 1/n पार्ट है। ठीक है, और इज इक्वल टू दिया हुआ था 3h² / 10m और साथ में ये 3π² n^2/3 where m is the mass of the electron, the electronic pressure in the star is। तो यहाँ पे m क्या है दोस्तों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो कॉमन सेंस है। हमें पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कितना होगा एज ए फंक्शन ऑफ n, यानी कि ये n जो आपको दिख रहा है नंबर डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमें प्रेशर निकालना है कि इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेशर कितना होगा, जो फंक्शन होना चाहिए नंबर डेंसिटी एन, जो क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है जो इतना आपको दिया हुआ है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है यानी कि इसको ई बाय एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एन क्या है दोस्तों, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये टी इक्वल टू 0 केल्विन पे बात हो रहा है, यानी कि फर्मी डिराक का केस है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियंस एंड टी इक्वल टू 0 केल्विन। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको प्रेशर निकालने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं, जस्ट उम्मीद करते हैं आप ये समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सिंस मार्कर को क्या हो गया, जस्ट वेट कर, ओके। सो सिंस आपको ये मालूम होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है दोस्तों, डीक्यू इक्वल टू डीयू प्लस पीडीवी, चूंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है ना, इस केस में चूंकि नंबर ऑफ एंड माइनस म्यू डी एन, चूंकि अभी इस केस में हमारा जो प्रेजेंट का केस है दोस्तों, उसमें एन जो है क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफकोर्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट है, तो डी एन हमारा इस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में अभी हमारा आप ये भी देख सकते हैं कि इस केस में हमारा जो ये टर्म है चेंज इन हीट, या फिर ऐसा मान लें कि जो हमारा, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, चूंकि ये दो कांस्टेंट है, एन क्या है दोस्तों कांस्टेंट है, तो यहां से आप अगर आप निकालेंगे डीयू बाय डीवी एट कांस्टेंट, डीयू बाय डीवी एट कांस्टेंट एन, एंड इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, TdS equal to dQ equal to dU plus PdV, since we know that this, so at constant n and entropy S, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहां से हो जाएगा ये 0 is equal to the term X plus P minus 0, so the term X is equal to minus P, so ये minus P के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम क्या किया, हम आपको बता देते हैं हमने क्या किया दोस्तों, इस पूरे इक्वेशन को आप जो देख रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन को भी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और कीपिंग एंट्रोपी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, तो एस और एन कांस्टेंट है, तो चूंकि एस कांस्टेंट है तो डीएस 0, तो ये टर्म से 0 आ गया,
एन कॉन्स्टेंट हो गया टर्म जीरो इज इक्वल टू, ये भी जीरो आ गया। और डी यू का क्या हो जाएगा, चूंकि डी यू को कर रहे हैं वी के रिस्पेक्ट में, तो डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एन एंड एस, और प्लस यहां से क्या आ गया पी और डी वी चूंकि वी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वन आ गया, और ये माइनस चूंकि एन कॉन्स्टेंट है तो डी एन जीरो। तो यहां से देख सकते हैं पी इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, ये टर्म उठ के एल एच एस में जाएगा तो डी यू बाई डी वी इज एट कॉन्स्टेंट एन एस माइनस, है ना। तो आप देख सकते हैं कि प्रेशर कितना आ रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर, प्रेशर इन जनरल, इसका फॉर्मूला गया डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एंट्रोपी एस। अभी हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है दोस्तों, और एस एंट्रोपी भी ऑफकोर्स फिक्स है, कुछ नहीं बोला है मतलब। तो अगर हमें टोटल एनर्जी यू मिल गया, दिस इज द टोटल इंटरनल एनर्जी, और अगर हमें वो अगर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम मिल गया और उसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दिए वी के टर्म में और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो चीज सेम इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर आ जाना चाहिए। तो अभी के केस में दोस्तों, नाउ अभी के केस में आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है दोस्तों, और एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है ई नॉट है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है अभी का केस में, सिचुएशन में एन है दोस्तों, और एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हमें कितना दे रखा है, ई नॉट दे रखा है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई नॉट। तो यानी E इक्वल टू एन, और E नॉट देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, 3H कट स्क्वायर बाय 10m एंड देन 3 पाई स्क्वायर n का पावर 2/3, ये स्मॉल n है ना। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो कहीं यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है, तो E को भी के रिस्पेक्ट में जीरो करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये जो आप n देख रहे हैं ना दोस्तों, ये भी का फंक्शन होता है, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ना, समझ पा रहे हैं ना। ओके, सो वो चीज है, इसीलिए भी से वो डिफरेंशिएट होने पे जीरो नहीं होगा। अब देखिए उसको क्या करेंगे, तो इसको ढंग से लिख देते हैं दोस्तों, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन है, ये 3H कट स्क्वायर बाय 10m, ये 3 पाई स्क्वायर, यहां से n को रहने देते हैं दोस्तों, और उसका पावर 2/3, चूंकि हम यहां से n बाई भी, इसको क्या लिखते हैं, n बाई भी लिखते हैं ना, तो n का पावर 2/3 अंदर में ही रह गया, और चूंकि भी को हम बाहर कर रहे हैं तो भी का पावर -2/3, भी का पावर -2/3, क्योंकि इस n को क्या लिखेंगे, n में भी लिखेंगे, और भी का पावर 2/3 ऊपर चला जाएगा, तो ये भी का पावर -2/3 हो जाएगा, क्लियर है। ओके, सो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए तो ये e है, इसको भी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो du / dv कितना हो जाएगा दोस्तों, एन को कांस्टेंट रखना है, एन और एस को कांस्टेंट रखना है, तो एस पे है नहीं, एन को कांस्टेंट रखना है, बाकी एच कट एम ये पाई अपने आप में कांस्टेंट है, तो सब जैसे का तैसे रह जाएगा, कांस्टेंट है तो एन रह गया, ये 3H कट स्क्वायर बाय 10m, ये 3 पाई स्क्वायर एन का पावर 2/3, भी का पावर -2/3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3 एंड देन भी का पावर -2/3, और ये भी का पावर माइनस एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एनएक्स एन माइनस वन, तो भी का पावर -2/3 का क्या हो जाएगा -2/3, और भी का पावर -2/3 -1, 3 1 जब 3 और -2, इसको एलसीएम लेंगे तो ऐसे हो जाएगा भी का पावर -2 -3, 3 1 कम 3, तो -2 -3/3 यानी भी का पावर -5/3, भी का पावर -5/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भी का पावर -2/3 और भी का पावर -1, ठीक है। तो भी का पावर -2/3 और भी का पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन करने के बाद। अब आप यहां से देख सकते हैं कि हमको चूंकि आंसर ई नॉट के टर्म में बताना है, तो हम ई नॉट को अलग करने की कोशिश करते हैं, तो यहां से आप देखिए ये -2/3, ये n, ये उसके बाद ये 3H कट स्क्वायर बाय 10m, ये 3 पाई स्क्वायर, दोस्तों आप देखिए n है और यहाँ भी है, n का पावर 2/3, भी का पावर -2/3, तो ये n और इस भी को अगर नीचे लाएंगे तो प्लस पावर 2/3 और अंदर कर देंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, इसको अंदर कर दिया, अभी बाहर निकाले थे भी का पावर -2/3 फिर से अंदर कर दिए, ठीक है, और साथ में ये भी का पावर -1 को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे आ गया और ये जो है वो यहाँ पे चला गया, क्लियर है। ओके, सो अब आशा करते हैं ये कितना हो गया, -2/3, एन बाय भी कितना बन गया दोस्तों, स्मॉल एन नंबर पार्टिकल डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये देखिए 3H कट स्क्वायर बाय 10m, 3 पाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा देखिए 3H कट स्क्वायर बाय 10m और ये 3 पाई स्क्वायर और ये स्मॉल एन का पावर 2/3, ये भी नंबर डेंसिटी बन गया नंबर पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो
ये देखिए क्या बन गया, -2/3 स्मॉल n, और ये क्या बन गया दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का प्रेस, ये देखिए क्या था, ए नॉट था ना हमारा, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये ए नॉट बन गया दोस्तों, ये हमारा निकल गया। देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर होता है, हमने फॉर्मूला क्या देखे थे, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर इक्वल टू -du/dv एट कॉन्स्टेंट ns, तो ये माइनस का माइनस और ये du/dv हम लोग निकाले दोस्तों, अभी कितना निकाले, -2/3 n e नॉट, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा आंसर कितना है, 2/3 e नॉट, सॉरी n e नॉट। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, ये कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर हमारा, 2/3 n e नॉट। पता नहीं बोर्ड थोड़ा साइज मार्कर लोग या दिख रहा होगा कि नहीं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी इसके जो भी इसके बाद जो क्वेश्चन रह गए हमारे उसके साथ हम लोग आएंगे, और पर डे एक लेक्चर आएगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। 2018 का और एक 17 का क्वेश्चन बच गया है, उसको देखेंगे, उसके बाद 2016 एंड उससे नीचे क्वेश्चन देखेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे और भी हम लेक्चर अपलोड करते रहेंगे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें एंड कमेंट भी करें।